अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के अवसर पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा फूटी कोठी स्थित सब्जी मंडी में आयोजित जन जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेकर दुकानदारों, ग्राहकों एवं राहगीरों को प्लास्टिक बैग एवं पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं करने की समझाइश दी गई एवं कपड़े के थैलों का वितरण किया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। इस दौरान महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कपड़े का थैला लेकर बाजार आने वाले नागरिकों का गुलाब का फूल देकर सम्मान भी किया। इस अवसर पर MIC मेंबर अश्विनी शुक्ल, राकेश जैन एवं पार्षद नितिन कुमार शर्मा एवं निगम अधिकारी गण भी उपस्थित रहे। वैसे तो इंदौर रोज सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त डे मनाता है, लेकिन आज विश्व नो प्लास्टिक डे के अवसर पर इंदौर शहर के सभी जनप्रतिनिधि, स्वच्छता कर्मी ने मिलकर आज हर बाजार में सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त करने की दृष्टि से, प्लास्टिक बैग के उपयोग को कम करने की दृष्टि से जन जागरण किया। लोगों में कपड़े के झोले और जूट के झोले का बढ़ावा और प्रचलन बढ़ाने के लिए लोगों के साथ जन जागरण किया। जो लोग बाजार में घर से झोला लेकर आए थे उनका सम्मान किया पुष्पकली देकर, और मैं इंदौर शहर के सभी बाजारों में सामान बेचने वाले, फल सब्जी बेचने वाले विक्रेताओं से भी आग्रह करता हूं कि कपड़े के झोले का प्रचार प्रसार करें और इंदौर को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाए रखने में अपना सहयोग दें। कुल मिलाकर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के अवसर पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा फूटी कोठी स्थित सब्जी मंडी में आयोजित जन जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेकर दुकानदारों, ग्राहकों एवं राहगीरों को प्लास्टिक बैग एवं पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं करने की समझाइश दी गई एवं कपड़े के थैलों का वितरण किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।